भीड़ कितनी हो रही है। मात्र एक गाड़ी ऐसी है जो राजधानी को टक्कर देती है। गाड़ी नवाब को गर्मी लग रही थी तो इसने शर्ट डाल ली, स्वेटर इसने पहना नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फटाफट से जैकेट डाल लें क्योंकि अंदर जाएगा स्वेटर, पता नहीं मेरे ना रहते पर पहनेगा कि नहीं पहनेगा। ये गाड़ी है क्या? हाँ यही है, यही है गौतम। ओले लोग पहले लटक गए। होने वाला है इधर देखो गाइस, तो ये है सरसों। तो ये गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग वीडियो। आज ब्लॉग घर से बन रहा है क्योंकि आज मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, काफी टाइम से आप लोग देखते आ रहे थे दिल्ली का कुतुब मीनार और इंडिया गेट, राजघाट, तो काफी सारी जगह हमने घूमी। मैंने अपने भाई को घुमा भी दिया था, आज उसे यहाँ पर रहते हुए लगभग काफी समय हो गया, तो अब वो घर जाने के लिए तैयार हो गया है वापिस गाँव। तो फिलहाल अभी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है। ये देखो गाइस, तो ये खड़े मसाले हैं जो कि मम्मी घर में बना रही है। बाहर से मसाला ऐसे अक्सर खरीदते हैं ना बाजारू मसाले, लेकिन वो मसाले इतने ज्यादा स्वादिष्ट होते नहीं है और काफी ज्यादा उसके अंदर रोड़ी कंकर पत्थर भी होते हैं। तो मेरी मम्मी क्या करती है कि जो खड़ी मिर्ची होती है, खड़े हल्दी लहसुन सरसों, ये सारी चीजें मार्केट से परचेस कर लेती है घर पे ही, मतलब कि अपने हाथों से ही। ये देखोगे तो मेरी मम्मी मसाला बनाती है गाइस। तो इसके अंदर क्या था मम्मी जो अभी आपने पीस दिया, क्या था? गरम करके रोस्ट करके ना, क्या क्या था इसमें? ये देखो गाइज, ये ऑलरेडी रोस्ट हो चुका है, देख सकते हो। ये मम्मी ने घर पे ही मसाला बनाया है साथ के साथ। और भी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये है रेड चिली मिर्ची, देखो इसके अंदर तेज पत्ता काफी सारा डला हुआ है और मिर्ची देखो गाइज कितनी सारी है। तो ये भी रोस्ट होने वाला है। इधर देखो गाइज, तो ये है सरसों। तो अभी गाइज धनिया है, ये बोला था सॉरी गाइज, ये तो धनिया है, मैं सरसों बोल रहा हूँ। तो अभी गाइज अब जा रहा है सरसों रोस्ट होने के लिए, तो देख सकते हो अभी मिर्ची भी रोस्ट हो जाएगी। तो ये काफी तीखी वाली मिर्ची है, लाल वाली मिर्ची जो कि हमारा पेट खराब कर देती है। तो अभी दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। अगर पीसा ली तो डंटी तोड़ के पीसा ली, डंटी तोड़ के नहीं पीसना चाहिए, डंटी तोड़ के पीसवे ना तो तीता ना हो, डंटी सही से पीसेगा ना तो बढ़िया होता है। अच्छा मिर्ची की डंडी की बात कर रही है? हाँ। तो ये गाइस मिर्ची की जो डंडिया है ना, ये तोड़ के नहीं पीसेगी मम्मी क्योंकि इसके अंदर टेस्ट होता है और ड्राई होने के बाद ज्यादा अच्छा खाने में लगता है। बाकी देखो इसको पूरे अच्छे तरीके से मम्मी ने रोस्ट कर दिया है। सो गाइस ये देख सकते हो, ये मैंने 5 किलो के 2 डंपल लिए एक्सरसाइज करने के लिए, और काफी टाइम हो गया था ना दोस्तों, काफी ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह मैं करने बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो थोड़ी सिर्फ मेरी बॉडी जो है ना अनहेल्दी लग रही थी, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा वजन उठा लेता हूँ। तो ये है, अभी इससे थोड़े बहुत वर्कआउट वगैरह कर लेता हूँ और उसके बाद आपसे बाद में मुलाकात करता हूँ। तो गाइस मेरा जो वर्कआउट है थोड़ा खत्म हो गया, तो मैं अभी सुबह सुबह का नाश्ता करने आया हूँ, रोटी है और यहाँ देखो तो आलू चने की सब्जी है, आलू और मटर की सब्जी है, और ये भी देखो तो आलू और ये कद्दू है। अच्छा कद्दू है, ये कद्दू है, सॉरी गाइस मैं इसको आलू बोल, इधर देखो तो ये आलू और ये रात की शिमला मिर्च की सब्जी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी दोपहर का खाना खाया है, सब्जी दाल चावल, दाल खत्म हो गई है, और यहाँ पर मैं एकदम नहा धोकर फर्स्ट क्लास तैयार हो गया हूँ, साथ में दोनों भाई मिलकर खा रहे थे, तो अभी फिलहाल उसको लेके मैं जा रहा हूँ स्टेशन। तो गाइस ये देखो, ये है गौतम बाबा, ये वापस गाँव जा रहे हैं, तो मैं इसको छोड़ कर आऊंगा स्टेशन तक। तो तैयार हो गया है और यहाँ पर आपका भाई भी मेरे को, हाँ तो 2:30 बज चुके हैं दोस्तों, 2:30 बजे, लेकिन हमारा प्लान था 2 बजे निकलने का, सिर्फ मुझे अब जूते पहनने, तो फटाफट से जूते पहनता हूँ और बिस्तर का हाल देख सकते हो घर का क्या हो रहा है, और निकलते हैं अब। तो गाइस यहाँ पर मैंने जूते पहन लिए और अब यहाँ से निकलते हैं। ये पानी की बोतल भरना जरूरी है, रास्ते में को प्यास व्यास लग जाएगा गाइस, तो इसलिए पानी की बोतल यहाँ पे भर ले रहा है पहले से, वरना बीच बीच रास्ते में, ऐसे भी ठंड का टाइम है ज़्यादा प्यास लगेगी नहीं, बट जब भी प्यास लगेगी तो फिर 20 रुपये की 15 रुपये की बोतल इसको खरीदनी पड़ेगी, तो कम से कम 15-20 रुपये तो बचेंगे ना अगर अपने पास बोतल रहेगी तो। यहाँ पर गौतम बाबा भी पानी भर रहे हैं, दारू डालेगा तो पकड़ा जाएगा। चलो मैं भी जाऊँगा, रेडी हो गए गाइस, पैकिंग हो गई है गौतम, पेपर देने जा रहा है वो, और मैं भी अच्छे खासा तैयार हो गया, चलो पूछने जा। पैर वैर नहीं छुएगा किसी के, निकल गया सीधा, छू लिया
चल चल मेरे को तो तू लास्ट में छू, चल तो गाइस अभी हम लोग आ गए नागलोई मेट्रो और गौतम बाबा जा रहे हैं। ऐसे मैं घर से मेट्रो कार्ड लेके आया हूँ, दो मेट्रो कार्ड है बट आई थिंक मुझे लगता है कि दो में से किसी एक में ही पैसे होंगे। यहाँ पर मशीन है, इसमें चेक करूँगा। माइनस है 100 रुपये दिए। कितने भी? कितने लिए भैया आपने? 30 लगते भैया। तो गाइज हम लोग आ गए मेट्रो के अंदर, यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे इंदर लोग। तो गौतम का वीडियो बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि गौतम काफी टाइम बाद आ रहा है ना मेट्रो में। तो हम लोग गाइस इंदर लोग मेट्रो स्टेशन आ गए हैं। पीछे देख गौतम, हाँ चलते रहो। चल सीट है खाली, तो बस ही 2-3 दिन बाद आएगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और 5:30 बजे की ट्रेन है। उसके बाद गौतम को मैं अलविदा कह दूंगा, गौतम घर की तरफ चला जाएगा और फिर वहां से हम लौट आएंगे। तो अभी तो हम बेसमेंट के अंदर चल रहे हैं। डाल तो का जा, चलो। तो दोस्तों हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, सामने से पकड़ेंगे अभी नई दिल्ली। टिकट भी कटवानी है ना अभी हम लोगों को, 2 मिनट में बाहर निकल जाएंगे अभी। अब एक काम कर, स्वेटर निकाल पहन, ठंडा लगेगा, ठंड है ना, फटाफट से पहन ले स्वेटर, अंदर फिर पहनेगा फिर ठंड लगेगा। गौतम नवाब को गर्मी लग रही थी तो इसने शर्ट डाल ली, स्वेटर इसने पहना नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फटाफट से जैकेट डाल लें क्योंकि अंदर जाएगा, स्वेटर पता नहीं मेरे ना रहते पर पहनेगा कि नहीं पहनेगा। बाकी अभी फ़िलहाल ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये तो हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो गाँव आना जाना, कहीं भी आना जाना करना हो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वो है फ्रंट गेट। अब लग रहा है अच्छा, चल तो टिकट कटवाने के लिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं अभी, तो नीचे काफी ज्यादा भीड़ होती है काउंटर पे। चलो वहां से टिकट कटेगा। तो दोस्तों ये मैंने अपने लिए प्लेटफॉर्म टिकट लिया है और बाकी छोटे वाले भाई ने अपना टिकट कटवा लिया है। तो अब मैं प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा हूँ, 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आएगी। तो चलते हैं अंदर की तरफ। कहाँ जा रहा है यार, रुकना, बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है। 16 नंबर प्लेटफॉर्म किधर है? वो 15 है। टिकट खोल, इस पर देख प्लेटफॉर्म कितना लिखा हुआ है। लिखा हुआ ना 16 नंबर, 16 नंबर पे ही वैसे आता है ये, 16:35 पे खुल जाएगा ये। ये देख लिखा है सब, हाँ वो लिखा ना संपूर्ण क्रांति। चलो ये
इस तरफ आएगा संपूर्ण क्रांति। भाई भीड़ कितनी हो रही है, मात्र एक गाड़ी ऐसी है जो राजधानी को टक्कर देती है गाड़ी, इसीलिए इसमें लोग ज्यादा सफर करते हैं। ये गाड़ी है क्या? हाँ यही है, यही है गौतम। तो ले लोग पहले लटक गए। ठीक है, तो गाइस छोटा वाला भाई तो निकल गया, गांव के लिए रवाना हो गया और सुबह 7:30 बजे तक वो पहुंच जाएगा। तो मैं भी यहाँ से अब रवाना होता हूँ घर के लिए, और उसका मुझे मोबाइल रिचार्ज करना है क्योंकि उसका मोबाइल जो है तो रिचार्ज ख़त्म हो गया था। कितना खाली हो गया स्टेशन जैसे ही गाड़ी निकली है ना, बहुत ही कम लोग नज़र आ रहे हैं। जब मैं आया था जब कितने सारे लोग यहाँ पर भरे पड़े थे, और अभी देखोगे तो अभी इक्का दुक्का लोग खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, कई लोगों ने तो ऐसी गाड़ी छोड़ दी। ये है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो कि दिल्ली के लिए पटना 6:30 बजे पहुंचा देगी। अब ये ट्रेन यहाँ पर लास्ट डब्बा, इतना खाली खाली है देख रहे हो। और मैं अपने बालों में तेल लगा के नहीं आया था ना, सारे बाल बिखर गए हैं। तो कल शनिवार है, कल तो मैं बाल नहीं कटा पाऊंगा, परसों यानी संडे के दिन जाऊंगा नाई वाली के पास और तसल्ली से एकदम बाल कटवा के आऊंगा। फिलहाल तो अभी यहाँ से एग्जिट करता हूँ मैं। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं ना, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देखो कितना कुछ इस तरह का बाहर का व्यू है। अभी यहाँ से सीधा सीधा जाऊँगा और राइट साइड की तरफ एग्जिट कर जाऊँगा। फिलहाल गाइज मैं अभी घर पर आ गया हूँ, अपने छोटे भाई को छोड़ के आ गया था रेलवे स्टेशन और सही सलामत मैंने उसको रेल के अंदर तक बिठा दिया था। वो कल सुबह तक 6:30 बजे तक वो पहुँच जाएगा पटना। और काफ़ी ज़्यादा मैं थक गया था तो बीच में कोई ब्लॉग व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि अब तो रोज का है काम। तो फिलहाल अभी बहुत जोर की भूख लग रही थी, रास्ते में मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस 10 रुपये की चाउमीन खाई थी और पानी तक नहीं पिया था। गाइस घर के आने का जो रास्ता है ना काफ़ी बेकार है। और ये भुजे हुए चावल मटर के साथ और ये कद्दू और चने की सब्जी जो कि सुबह हमने खाई थी। बाकी इधर मैं ब्लॉग देखता रहता हूँ, साइकिलिंग ब्लॉग जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, कबीरा द ट्रैवलर, इसका भाई नया नया बंदा है, ये साइकिल से राइड करता रहता है तो इसकी राइडिंग देखता रहता हूँ और बहुत सारे एक्सपीरियंस लेता रहता हूँ। मैं अभी कभी ऐसी जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ गाइस। तो फिलहाल अभी तो मैं खाता हूँ, बहुत जोर की भूख लग रही है और उसके बाद आपसे मुलाकात करता हूँ। सो गाइस उस टाइम तो खाना वाना खा लिया था और फिर पापा ने कुछ काम वाम दिया था तो मैं रोड पर गया था। तो काम कुछ ऐसा था कि गाइस आज मेरे पापा को फिश खाने का काफी ज्यादा मन कर रहा था, तो हर हफ्ते में मतलब 1 से 2 दिन हमारे घर के अंदर फिश मटन एग कुछ ना कुछ बनता ही रहता है नॉन वेज वगैरह में। तो फिलहाल आज की रात के डिनर में देखो तो ये बनी है फिश जो कि मैं अभी चावल के साथ खाने वाला हूँ। बाकी मैडम तो फिश खाती नहीं है, ना ही चिकन खाती है ना ही मटन खाती है, तो वो अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ये एग का भुजिया उन्होंने बना रखा है और रोटी ले रखी है। तो रोटी तो मेरे को अभी नहीं खानी है क्योंकि फिश के साथ मुझे एग बहुत ज्यादा पसंद है। तो और बाकी गाइस इसे देखोगे तो ये पैंट में पेशाब करके पूरा का पूरा इसने एकदम गीला कर रखा है। साथ ही इधर मैंने हीटर भी लगा दिया है
और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है। किसी किसी पैंट चेंज करनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी मैं खाने जा रहा हूँ फिश करी और साथ में चावल। और यहाँ देखोगे आज तो मैडम जी भी आ गई है अपना, ये गर्म पानी लेके आ गई है कि ठंड का टाइम है ना गाइज, तो ठंड में हम लोग ठंडा पानी तो पीते नहीं है गाइज, गर्म पानी हमारे काम की चीज है। तो गाइज अभी जा रहा हूँ फिश करी खाने के लिए। आई होप कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में खटकता है कि जब तक मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुआ है तब तक क्या कर सकता हूँ गाइज। लेकिन मैं पूरा का पूरा 200% कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा ब्लॉग बना सकूँ, पर अभी तो कुछ खास घूमने के लिए जा नहीं रहे हैं। तो बाय द वे तो मैडम जी अब इधर खाना खा रही है। बाकी गाइज मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करता हूँ नए कंटेंट के साथ।